नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब अब हो चुका है। उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में अतीक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उधर उम्र कैद हुई और इधर अतीक ने अपने ऊपर हुए मुकदमों को लेकर बयान दे दिया है, लेकिन ये बयान काफी पुराना है। दरअसल उम्र कैद के बाद से अतीक के कई बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहीं मीडिया के बारे में बात कर रहा है तो कभी राजनीति पर टिप्पणी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें अतीक राजनीति के बारे में बता रहा है और अपने ऊपर हुए मुकदमों पर भी बात कर रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल माफिया अतीक अहमद एक नामी राजनेता रह चुका है, जो राजनीति के साथ साथ आतंक भी फैलाता था। इसलिए उसके राजनेता रहते हुए उसके ऊपर कई मुकदमे भी रह चुके हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 की बात है, जब उसने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था, राजनीति एक बहुत बड़ा त्याग है, इसमें कोई भी निजी लाइफ नहीं रह जाती है। उसने आगे कहा था, हमारा कार्यकर्ता हमारे बेडरूम तक जाता है और निजी लाइफ नहीं रह जाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसने आगे कहा था, ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान हम जनता के बीच में चले गए। उसने कहा, हम जनता के बीच में लगातार है और लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को हमसे उम्मीद होती है और हम उनकी उम्मीदें पूरी करने का ही काम करते हैं। अतीक ने आगे अपने ऊपर हुए मुकदमों पर सफाई देते हुए कहा, देखिए मेरे ऊपर कभी निजी मुकदमे नहीं हुए, वो सब जनता की सेवा के दौरान लगे हुए मुकदमे हैं। अतीक ने कहा, मेरे ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान लगे हैं। मेरे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो सांप्रदायिक ताकतों ने लगाए हैं। आगे अतीक कहता है, बहुत सारे मामलों में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, वो लोगों को पकड़कर बिठा लेते हैं और हम पर वाद दर्ज कर देते हैं। आगे उसने कहा, मेरे ऊपर एक दिन में 123 मुकदमे दर्ज किए गए थे और हाईकोर्ट ने उनको क्वैश कर दिया। अतीक ने आगे कहा था, मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर मैं और दिन सियासत में रहा तो मेरे ऊपर और मुकदमे लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो 6-7 साल पुराना वीडियो है, जिसमें अतीक मीडिया पर सवाल उठा रहा है कि मीडिया उसकी छवि बिगाड़ रही है। उस वीडियो में अतीक बता रहा है कि एक माँ उसके पास अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर उसके पास फरियाद लेकर आई थी। इसी को लेकर अतीक के ऊपर आरोप लगा था कि उसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ मारपीट कर ली थी, जिस पर वो सफाई पेश कर रहा है। आपको वो पूरा पुराना वीडियो भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए अपने साथियों को, दोस्तों को, सबसे पहले तो मुझे मालूम है कि कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत जबरदस्त ये खबर चला रही है और उस खबर से हमें शिकायत इसलिए है कि वो इस ढंग से चला रहे हैं कि नकल करने वालों को मैं साथ दे रहा था और टीचर्स पीटे, ये चलाया जा रहा है। हम आपको सच्चाई बताना चाहेंगे। मुख्तसर में ये है कि दो बच्चे नकल में सस्पेंड किए गए और उसके बाद वो लड़के टर्मिनेट कर दिए गए। बीटेक के बच्चे फाइनल ईयर के अगर टर्मिनेट कर दिए गए तो 3 साल उनका बर्बाद हो रहा था। उनकी माँ आके हमसे रोई कि साहब, हमारा इकलौता लड़का है, कह रहा है कि मैं खुदकशी कर लूँगा। तो हमने लड़के को बुलाया, उसको समझाया भी, डांटा भी, हमने कहा अच्छा चलो तुम्हारा टर्मिनेशन है, और हमें भी लगा कि ज़्यादा सज़ा हो गई टर्मिनेट कर देना नकल करने पर, तो हमें लगा चलो बात करेंगे। कल मैं इत्तेफाक से नैनी गया था और इंस्टीट्यूट बगल में है, मैं अंदर गाड़ी मैंने घुमा दिया, चला गया। चूँकि कोई टाइम नहीं लिया था इसलिए वीसी से मुलाकात नहीं हुई। मैं वीसी के चैम्बर में बैठ गया, मेरे साथ में चलने वाले जो मेरे सुरक्षाकर्मी हैं वो बाहर खड़े हो गए। अब वो लड़का जो टर्मिनेट था, उस लड़के को देख के बहुत से लड़के तैश में आ गए कि हमारे साथी को गलत टर्मिनेट किया है। ये लोग कहीं जाके डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि वहां से 1-2 किलोमीटर दूर था, वहां जाके ये सही है कि वो टीचर के साथ मारपीट करने लगे। अब उस फुटेज को और हमारे जाने को जोड़ के मीडिया ये दिखा रही है कि हमने बैठ के और वहां टीचरों को और सिक्योरिटी अफसरों को पिटवा दिया। तो ये इस तरह से बदनाम कर रहे हैं और मुझे इस बात की तकलीफ है कि भाई मैं नकल का हिमायती नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि किसी का की जिंदगी बर्बाद की जाए, 3 साल उसके बर्बाद हो जाए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो हम तो बोलेंगे जरूर, और हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। वो लड़का कह रहा हम खुदकशी कर लेंगे, तो अब ये अगर करना गलत है तो ये तो हम लोग करेंगे, ये हमारा काम है। आवाम हम लोग को अगर चुनती है तो ये सब काम में तो हम ही लोग जाएंगे।
तो हमारा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इसलिए कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, कैंट से मुझको मुलायम सिंह जी ने टिकट दिया है, इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा, मीडिया इस तरीके से चलवा रही। बाकायदा कहा जा रहा है कि टिकट काट दिया जाए, ये बाकायदा कहा जा रहा है, राय भी दी जा रही है टिकट काट दी जाए। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप जहां जहां भी अगर हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मजबूती से इस बात को रखिए कि हम कोई नकल की हिमायती नहीं है। लेकिन हाँ, एक शेर आपसे कहूंगा, उसका माने आप बेहतर समझ लेंगे। किसी मजलूम पे जुल्म होता देख कर खामोश रह जाना, किसी मजलूम पे जुल्म होते देख कर खामोश रह जाना, ये मेरे करीब बगावत है फरमाने इलाही से। हमको कहा गया है कि जहां गलत हो रहा है वहां हाथ से रोक दो, हाथ से रोकने लायक नहीं हो तो जबान से रोक दो, और जबान से भी रोकने लायक नहीं हो तो मन में बुरा कहो। तो लिहाजा अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम लोग उसको रोकेंगे।